दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी नेताओं ने अग्निवीर योजना के खिलाफ युवाओं के लिए सत्याग्रह पर बैठी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित पूरा कांग्रेस जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, अजीत शर्मा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सहित कई नेता सत्याग्रह पर जंतर मंतर पर बैठी हुई है। देश भर में कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। इस वक्त आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं, जहां पर जिस तरह से जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं वो सभी एक साथ सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इसमें बिहार कांग्रेस के भी जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी आपको मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। आपको सब तरह से देख सकते हैं, कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं अखिलेश प्रताप सिंह, साथ ही जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं रंजीता रंजन, वो मंच से भी भाषण दे रही है। और देश भर के जितने भी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं वो सभी नेता एक साथ मंच पर बैठे हुए हैं। कल यहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई थी सत्याग्रह करने के लिए। कांग्रेस का नाम दिया है कि सत्याग्रह, जिस तरह से भारत के युवाओं के समर्थन में ये सत्याग्रह कांग्रेस कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना लाया गया है अग्निवीर योजना, जिसके खिलाफ देश भर में हिंसा हो रही है, क्योंकि जो सेना भर्ती की प्रक्रिया में युवाएं विरोध कर रही है, जो 4 साल की प्रक्रिया है उसके खिलाफ सड़कों पर उतर गई है, और कांग्रेस पार्टी भी इसका समर्थन दे रही है। जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी अपने सभी नेताओं के साथ यहाँ पर एक सत्याग्रह कर रही है। इस बार मंच पर आप देख सकते हैं बिहार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी एक साथ मंच पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, बिहार कांग्रेस के बिहार विधानसभा में नेता अजीत शर्मा, अखिलेश प्रसाद सिंह, रंजीता रंजन, कन्हैया कुमार, ये सभी नेता यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो साफ तौर से जिस तरह से अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार देश भर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो आज कांग्रेस पार्टी जंतर मंतर पर सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। कैमरामैन विनीत सिंह के साथ केशव कुमार झा, दिल्ली।